साथ मेघा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज, जहां पर आपसे चर्चा होगी फेमस रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 13 की कंटेस्टेंट रश्मि देसाई के बारे में। एज यू ऑल नो, रश्मि देसाई के हाथ एक बड़ा प्रोजेक्ट लगा है टीवी इंडस्ट्री का। एक बेहद पॉपुलर शो नागिन सीजन 4 रश्मि देसाई को मिला है। एकता कपूर अपने शो में रश्मि देसाई को नागिन बनाकर आप सबके सामने पेश करने के लिए तैयार हैं। जब से रश्मि नागिन सीजन 4 में आएंगी, ये खबर वायरल हुई, उनके फैंस की एक्साइटमेंट का लेवल पीक पर पहुंच गया। मतलब फैंस दिल थाम कर इंतजार करने लगे उस एक पल का जब रश्मि की एंट्री से जुड़ी कोई इंफॉर्मेशन सामने आएगी, जब रश्मि की एंट्री से जुड़ा कोई प्रोमो सामने आएगा। एंड गाइस, एज यू ऑल नो, आज है शनिवार की रात और आज सब कुछ बदलने के लिए तैयार है। आज नागिन सीजन 4 का जब एपिसोड टेलीकास्ट होगा तो आप सबको एक बिल्कुल नई कहानी नजर आएगी, क्योंकि आज ही रश्मि देसाई उर्फ शलाका की धमाकेदार एंट्री देव और बृंदा की जिंदगी में होने वाली है। आज शलाका बनी रश्मि देसाई शो में आएंगी और आप सबको रश्मि देसाई का एक मिस्टीरियस कैरेक्टर नजर आएगा। मिस्टीरियस इसलिए क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा कि ये कैरेक्टर है क्या। आप रश्मि को देखकर समझ नहीं पाएंगे कि ये शलाका है या शलाका के भेष में नयनतारा है। एकता कपूर रश्मि की एंट्री के साथ एक ऐसा धमाकेदार टर्निंग पॉइंट लाने वाली हैं जो नागिन के डेली व्यूअर को काफी पसंद आएगा। गाइस, सबसे पहले आपको बता दें, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ नागिन टीआरपी इतनी ज्यादा नीचे गिरी है। 7th पोजीशन पर इच्छाधारी नागिन के इंतकाम का यह सफर पहुंच गया है। 7वें पायदान पर यानी टॉप 5 से भी बाहर हो गया है। मेकर्स की चिंता बढ़ गई है क्योंकि अभी अक्टूबर तक तो इस शो को खींचना है, लेकिन अगर इस अंदाज में टीआरपी गिरती रही तो अक्टूबर तक कैसे खींचेंगे। तो टीआरपी को ऊपर लेकर जाने के लिए रश्मि देसाई की एंट्री आज रात जो होगी उसके साथ कौन सा ट्विस्ट आप देखेंगे, और साथ ही रश्मि की एंट्री पर स्टारकास्ट का कैसा रिस्पॉन्स है। ऑफसेट से जो खबरें सामने आई हैं रश्मि के साथ शूटिंग करके देव, बृंदा, विशाखा, इन सबको कैसा लगा है, कुछ जानकारियां हैं जो हम आपके सामने पेश करेंगे अपनी बेहद स्पेशल रिपोर्ट के जरिए। देखिए जरा। वेल, रश्मि देसाई के बारे में इंफॉर्मेशन आपको बाद में देंगे, सबसे पहले आपको उनकी एक वीडियो सुनाते हैं जहां पर रश्मि अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट को लेकर फैंस को इंफॉर्मेशन दे रही हैं। सुनिए जरा। Hey guys, all you beautiful people, I'm Rashmi Desai and I'm going to be in Goa on this coming 14th March 2020 only at Strike Casino. So guys, be ready for fun and entertainment night and book your ticket now for 14th March 2020 at Strike Casino. Well, Rashmi Desai events mein kafi zyada busy hain, lekin events se hatkar नागिन सीजन 4 के साथ रश्मि का जो रिश्ता जुड़ चुका है उस रिश्ते को लेकर उनके चर्चे हर जगह हो रहे हैं। नागिन सीजन 4 में रश्मि देसाई की धमाकेदार एंट्री आज रात टेलीकास्ट होने वाले एपिसोड से ही आपको नजर आएगी और आप सब देखेंगे। विशाखा ही है वो जो शलाका को इस दुनिया में लेकर आएगी। जी हाँ, ये शलाका कोई और नहीं बल्कि विशाखा का ही एक हिस्सा होने वाला है। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके विशाखा देव से नागमणि हासिल करने के लिए, बृंदा और देव की जिंदगी में परेशानियों का जहर घोलने के लिए शलाका को पैदा करेगी और उसके बाद शलाका को देव बृंदा के खिलाफ इस्तेमाल करेगी। इसी से जुड़ा नागिन सीजन 4 का प्रोमो है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है और इस प्रोमो में नागिन बनी रश्मि देसाई की झलक साफ तौर पर नजर आ रही है। इस प्रोमो में नागिन बनी रश्मि देसाई का अवतार साफ तौर पर देखा जा सकता है। बता दे आपको, जहां एक तरफ इस प्रोमो के जरिए रश्मि देसाई
नागिन रूप में अपने फैंस के साथ आ गई हैं, वहीं जानकारी आगे की और भी मिली है। दरअसल रश्मि जब से नागिन सीजन 4 के साथ जुड़ी हैं, शो की पूरी स्टार कास्ट काफी ज्यादा खुश है। रश्मि नागिन सीजन 4 के साथ जुड़ी हैं और शो की स्टार कास्ट की खुशी का ठिकाना नहीं है। हर कोई रश्मि को शो के साथ जुड़ते देखने के बाद काफी खुश है। निया शर्मा की अगर बात करें तो नागिन सीजन 4 की टीआरपी में जो गिरावट आई है, निया को भी उम्मीद है कि रश्मि देसाई जब शो के साथ जुड़ी हैं, तो शायद अब शो की टीआरपी के ग्राफ में उछाल आए। हालांकि आपको बता दें, निया से एक इंटरव्यू में नागिन सीजन 4 को लेकर सवाल किया गया और आप सबकी चहेती बृंदा उर्फ निया शर्मा ने कहा, वेल ये तो सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत है, आगे आगे देखते जाइए होता क्या है। निया से जब सवाल किया गया कि और क्या क्या ड्रामे होते हुए नजर आ सकते हैं, निया शर्मा ने कहा, नागिन सीजन 4 में आगे कहानी बदलने वाली है, कुछ नए चेहरे जुड़ने वाले हैं, उन नए चेहरों के साथ बेस्ट ट्विस्ट एंड टर्न्स आपको एंटरटेन करने के लिए लाए जाएंगे। भाई निया शर्मा ने पहले ही कह दिया था, एकता कपूर अपनी दोस्त और बेहद करीबी रश्मि देसाई को नागिन बनाकर टीआरपी को लेकर दाव लगा चुकी हैं। अब देखना होगा, बेहद इंटरेस्टिंग इस एंट्री के बाद, इस ट्विस्ट एंड टर्न के बाद नागिन सीजन 4 में कितना कुछ होता है।